अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट खैर वाफियत से होंगे। जैसे कि आपको पता होगा, हम लोगों का क्रैश कोर्स का फोर्थ लेक्चर तक यानी चौथा लेक्चर, चौथा चैप्टर तक कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है, आपकी आसानी के लिए मैं प्लेलिस्ट बना चुका हूँ। आप लोग काफ़ी आसानी के साथ प्लेलिस्ट में जा कर के डेली के क्रैश कोर्स का क्लास को कर सकते हैं वहाँ से बिल्कुल आसानी में। और अगर आप लोग इस क्रैश कोर्स का मुकम्मल पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करना चाहते हैं, आज ही रब्ता करें, आज ही कांटेक्ट करें हमारे नंबर पे। नंबर है 9508214760। इस नंबर पे कंप्लीट नोट्स पीडीएफ आप लोगों को दे दिया जाएगा, जिसमें कुछ फी लगता है। आज के इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक सा नॉलेज को ले लेंगे, उसके बाद जो है फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव सवालात की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये चैप्टर का नाम है इंशाइया। इस इंशाइया का नाम है हिजरत, ठीक है। तो चैप्टर का नाम ही है हिजरत, और हिजरत ये क्या है, ये एक इंशाइया है। इनके मुसन्निफ़ अहमद जमाल पाशा हैं। तो अहमद जमाल पाशा के हम लोग थोड़ा सा जो है इसके बारे में नॉलेज देंगे, उसके बाद फिर हम लोग बाद में सारा का सारा ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन को कवर करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को जानना है अहमद जमाल पाशा की पैदाइश 1929 ईस्वी में इलाहाबाद में हुई थी, और जगह का नाम है खलदाबाद, उसी जगह में इनकी पैदाइश हुई थी। उनके वालिद का नाम सुजात हुसैन है और दादा का नाम नजफ अली था। ध्यान रखें, उनके वालिद का नाम सुजात हुसैन। सुजात हुसैन ने दो शादियां की, जिनमें एक पहली बीवी और एक दूसरी बीवी। तो दूसरी बीवी से जो है अहमद जमाल पाशा है। दूसरी बीवी से कौन है अहमद जमाल पाशा? दूसरी बीवी का नाम है सरवरी खातून। उसके बाद हम लोग आगे जानेंगे कि अहमद जमाल पाशा ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से 1958 ईस्वी में एमए किया था। उसके बाद फिर हम लोग जानेंगे अहमद जमाल पाशा के बारे में कि अहमद जमाल पाशा ने अपनी ससुराल सीवान चले आए, जहां 1976 ईस्वी में इनकी मुलाजिमत लग नौकरी या फिर जॉब लग गई, ठीक है। लेक्चरर की हैसियत से लेक्चरर में जो है मुलाजमत मिल गई। उसके बाद इनकी वफात को जानेंगे हम लोग। इनकी वफात कब हुई थी? 28 सितंबर, इंग्लिश में बोले तो 28 सितंबर 1987 ईस्वी, ठीक है। 28 सितंबर 1987 ईस्वी में दौरान मुलाजिमत यानी नौकरी के दौरान ही दिल का दौरा पड़ने से पटना में इनका इंतकाल हुआ था। ध्यान रखना आप लोग, पटना में इनका इंतकाल हुआ था। और तदफीन अमल यानी हम लोग अपनी आम बोलचाल में बोले तो दफन जो हुआ था, कहाँ पे इनकी दफन या फिर इनका कब्र जो है कहाँ है, तो सीवान में है। सीवान में जो है तदफीन हुई एक दिन बाद, जैसे 28 सितंबर को जो है, 28 सितंबर 1987 में डेट लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग देख लें। 28 सितंबर 1987 ईस्वी कब 87 देख लेना आप लोग। देखिए 1987 ईस्वी में जो है इनकी क्या हुई थी, वफात हुई थी। और तदफीन अमल कब आई? 28 सितंबर 1987 ईस्वी को तलहट्टा सीवान में इनकी जो है तदफीन अमल में आई। उसके बाद हम लोग इनके अहम किताब को जान लेंगे। किताब से जानने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं कि अहमद जमाल पाशा कुल वक्ती अदीब थे। तंजो ज़राफ़त उनका खास मैदान था, जिसका एतराफ़ करते हुए गालिब एकेडमी ने 1986 को जो है इनको सागर सूरी गालिब अवार्ड उन्हें अता किया था, ठीक है। अब उनके अहम किताबों के नाम फटाफट से जान लेते हैं, उसके बाद पीवीआई क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। इसके जो है टोटल किताब आपकी किताब में आपके निसाब में दिया हुआ है 16, ठीक है। सबसे पहली किताब है अंदिशे शहर, उसके बाद दूसरी किताब सितमे एजाद, तीसरी किताब लज्जत आज़ार, चौथी किताब मजामिन पाशा, पांचवी किताब चश्मे हैरा, छठी किताब पत्तों पर छिड़काव, सातवीं किताब ज़राफ़त और तनकीद, आठवीं किताब उर्दू के चार मजाहिया शायर, नौवीं किताब फ़ने लतीफ़ा गोई, दसवीं किताब मुल्ला नसीरुद्दीन के लतीफ़े, उसके बाद ग्यारहवीं किताब मिजाज के लतीफ़े, बारहवीं किताब शौकत थानवी की मजाहिया सहाफ़त, तेरहवीं किताब दुनिया की लोक कहानियाँ, चौदहवीं किताब बहादुर टम्बा, पंद्रहवीं किताब हुजूयात मीर, और सोलहवीं किताब जो है गालिब से मुआज़रत के साथ। ये सारे उनके किताब अहम किताब हैं। आइए फटाफट से हम लोग वीवीआई क्वेश्चन को कवर करने जा रहे हैं। देखिए चैप्टर का नाम है हिजरत, ये एक इंशाइया है। इनके मुसन्निफ, इनके राइटर, इनके लेखक कौन है? अहमद जमाल पाशा। सबसे पहला क्वेश्चन है हिजरत क्या है।
बताइए, नावेल, अफसाना, ड्रामा या फिर इंशाया। काफी इजी क्वेश्चन, पहले ही बता चुका हूं कि यह एक इंशाया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर पे, अहमद जमाल पाशा की वफात कब हुई? 1985, 1986, 1987, 1988। वफात में आप लोगों को बता चुका हूं 28 सितंबर 1987 में इनकी वफात हुई थी। तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब हुई? 1928, 1929, 1930, 1932। सही आंसर आपका 1929 में। अब हम लोग बता दें कि ये बहयात यानी हयात से कितना दिन रहा, तो ध्यान रखना 58 साल, लगभग इन्होंने कितना साल, 58 साल इस दुनिया में रहे। ठीक है, तो कम समझे तो कम ही उम्र में इनकी जो है क्या हो गई, वफात हो गई, इंतकाल हो गई। ठीक है, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, इनमें से कौन सी किताब अहमद जमाल पाशा की नहीं है? देखिए मैं किताब आप लोगों को 16 किताब बताया, उनमें से देखिए सारा किताब है, हिंदी शहर, सितमे आजाद, लज्जत आजार, ये तीनों किताब मैं आप लोगों को काउंट के वक्त बताया, बट अंदिश फराद ये नहीं बताया, ये किताब जो है अहमद जमाल पाशा की नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या पूछ रखा है, अहमद जमाल पाशा की नहीं है। ठीक है, देखिए पांच नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कहाँ हुई? हैदराबाद, इलाहाबाद, मुरादाबाद, फरखाबाद। पहले ही बता चुका हूं मैं, इनकी पैदाइश इलाहाबाद में हुई थी, जिस जगह का नाम है खलदाबाद। ठीक है, इलाहाबाद के मोहल्ले खलदाबाद में इनकी क्या हुई थी, पैदाइश हुई थी। देखिए छह नंबर क्वेश्चन, अहमद जमाल पाशा के दादा का क्या नाम था? सही आंसर नजफ अली, पहले ही बता चुका हूं। सात नंबर क्वेश्चन फटाफट देखेंगे, अहमद जमाल पाशा की वालिदा का क्या नाम है? पहले ही बता चुका हूं, सरवरी खातून। आठ नंबर क्वेश्चन देखिए, जकिया आफाक इस्लामिया कॉलेज कहां है? तो सही आंसर आपका सिवान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपने ससुराल सिवान आए थे, उसके बाद जो है ये नौकरी जॉब करना स्टार्ट किए सिवान में ही, जकिया आफाक इस्लामिया कॉलेज में ही। ठीक है ना, नाइन नंबर क्वेश्चन, अहमद जमाल पाशा ने किस यूनिवर्सिटी से एमए किया? सही आंसर इसका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। कब किया था, 1958 में एमए किया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अहमद जमाल पाशा ने किस साल एमए किया? 1958 डेट भी दे दिया है। 11 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, अहमद जमाल पाशा की वफात कहां हुई? तो वफात हुई थी आपका पटना में। कहां हुई थी, पटना में, और जो है तदफीन अमल कहां आई, तो सीवान में आई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर पे, अहमद जमाल पाशा कहां मदफून है? तो मैं पहले ही बता चुका हूं, सीवान में मदफून है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, सीवान से अहमद जमाल पाशा का क्या रिश्ता था? तो काफी इजी क्वेश्चन और काफी इजी आंसर, तो आपका ससुराल का रिश्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ससुराल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन फटाफट देखेंगे हम लोग, क्या पूछ रखा है 14 नंबर क्वेश्चन पे, हिजरत किसका इंशाइया है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अहमद जमाल पाशा का इंशाइया है। 14 नंबर क्वेश्चन, जन्नत से हुक्म सफर किसे हुआ था? हजरत क्या हो जाएगा आपका, आदम अली सलाम को जो है जन्नत से हुक्म सफर हुआ था। देखिए याकूब और यूसुफ में क्या निस्बत है, बाप बेटे की निस्बत है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है? खाना मुल्क, खाना खाना, खाना बदोश, खाना खराब। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, खाना बदोश के नाम से जाना जाता है। क्या नाम, किस नाम से, खाना बदोश के नाम से। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अहमद जमाल पाशा के वालिद का क्या नाम था? तो सही आंसर आपका ऑप्शन सी, शुजात हुसैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुजात हुसैन। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, अहमद जमाल पाशा ने बिहार के किस कॉलेज में मुलाजिमत की? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जकिया आफाक इस्लामिया कॉलेज, जो कि उनके ससुराल कहां पे थे, सीवान में ही थे। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, इंशाया हिजरत में मुसन्निफ ने मगरिब को किसकी अलामत करार दिया है? तो आपका गुलामी का, गुलामी को क्या कहा है आप लोगों को, या देखिए ध्यान से देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन, इंशाया हिजरत में मुसन्निफ ने मगरिब, मगरिब का मतलब होता है आपका पश्चिम, पश्चिम को किसकी अलामत करार दिया है? तो गुलामी की अलामत करार दिया है पश्चिम को। ठीक है, ये दिशा है, जैसे पश्चिम, पूर्व, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, इसी तरह ये आपका ये क्या है, एक मगरिब का मतलब क्या होता है, पश्चिम होता है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर फाइव के जो है ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर लिए हैं। आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा? अगर थोड़ा सा भी क्लास अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने के बाद अपने सभी फ्रेंड तक पहुंचाइए। मिलते हैं एक अगली क्लास में, अगली सेशन में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।